बढ़ रही महंगाई व किसानों की समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष व किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने तिलक भवन से पैदल मार्च करते हुए रोड पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज शहर कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना को एक ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज़ को बुलंद किया। रायबरेली जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने किसानों की समस्याओं को सिलसिलेवार उठाते हुए कहा कि किसान अन्नदाता है, चिलचिलाती धूप और प्राकृतिक आपदा से लड़कर कड़ी मेहनत के बाद भी उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जाए और बकाया मूल्य का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। श्री तिवारी ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चलाने की मांग की। उन्होंने सरकार पर किसानों को पराली जलाने के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और तत्काल गिरफ्तार किए गए हजारों किसानों को रिहा करने की सरकार से मांग की। मजदूर किसान विभाग के अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश में किसान एक लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था, लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के प्रयास से एक बार फिर किसानों का मुद्दा संसद से सड़क तक उठाया जा रहा है। उन्होंने आवारा जानवरों से हो रहे जनमाल के नुकसान पर भी चिंता जताई। शहर अध्यक्ष श्री सद्दुल हसन ने सभी किसान भाइयों से अपील की कि अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरें, कांग्रेस पार्टी आपके साथ सदैव खड़ी मिलेगी। उन्होंने किसानों को देश की रीढ़ बताया, जिसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरे मन? हम सभी लोग किसानों की समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने मांग किया है, क्योंकि भारतवर्ष की जनता 70% कृषि की आय पर आधारित है, उसी से अपना एक घर का परिवार का पालन पोषण करती है। गन्ने के समर्थन मूल्य बहुत कम है। अगर हम इसकी मांग करते हैं कि 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य किया जाए, क्योंकि समय खेतों में पराली खड़ी हुई है, किसानों पर फर्जी मुकदमा करा दिए गए हैं, क्योंकि किसान अपने खेतों में बुआई नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके ऊपर पराली अगर आग लगा दिया उसमें, तो हम ये मांग करते हैं कि ठीक है, पराली अगर जलाने का हमको अधिकार नहीं है तो हमको उस खेतों का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम अपने समय से अपने खेतों में बुवाई नहीं कर पा सकेंगे अगर हम उस पराली को नहीं हटाएंगे तो। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे प्याज के दाम ले लें या फिर और किसी चीज के, तो किसान परेशान है, उसको लेकर के क्या करेगी आगे कांग्रेस? किसान इस समय बहुत हताश और परेशान है। महंगाई दर तो बहुत ही ऊंचे स्तर पहुंच गई है। आम जनमानस इस समय बिल्कुल भटक रहा है, बेहाल है, हैरान है, परेशान है। हम जो कांग्रेस के सारे लोग मिल करके हम महंगाई के खिलाफ, किसानों की समस्याओं के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ और भी तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और इस भाजपा की सरकार को, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित ही ये भाजपा की सरकार देश से और प्रदेश से ये जाएगी। अध्यक्ष जी, अभी आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन देने आए और ज्ञापन के दौरान यहाँ पे धक्का मुक्की फोटो खिंचाने के लिए, तो क्या ज्ञापन?